Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So here comes the second single from the movie Devara. Yeah, and this is Chuta Malle. Okay. So the starring cast of this movie is NTR sir, okay, Janhvi Kapoor, Saif Ali Khan, Prakash Raj sir, and so on. Yes. And the music is given by Anirudh Ravishankar. Okay. So Anirudh sir ka music hai, to aap samajh sakte hai ki unka matlab bahut zyada ek vibe already create ho chuka hai. And I think iska music bhi bahut dhamakedar hone wala hai. I feel like ye ek romantic kind ka song hone wala hai. I also think so. So this movie actually will be released on September 27, 2024. Grand release होगा मतलब worldwide. And शुरू करते हैं देखते हैं कैसा रहता है ये देवारा का second single because we are super excited. But उससे पहले अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो guys please to subscribe and also please click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, तो चलो शुरू करते हैं. Yes. अरे. Oh, hot. What song it's going to be? Chutta malle chuttestandi tuntari chupu urike undadu kase po astamanam nilokame namai marapu chitanite nuve nanna gaane tarulasa nilikanalakke chesa. इसके साथ साथ हम एक काम करते हैं, हिंदी का भी इसका सुनते हैं अभी, अभी हिंदी का भी हाँ वही अच्छा। हिंदी वाला भी मैं सुने लिरिक्स बहुत सारा चीज है हम समझ नहीं पाते, सोचे चलो हिंदी भी एक हिंदी भी कर लेते बार में कंप्लीट कर लेते हैं हिंदी भी साथ में तो मजा आ जाएगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिंदी एज वेल। धीरे धीरे ओके हिंदी नेम इज धीरे धीरे चट्टा मल्ले उधर इधर धीरे धीरे
धीरे धीरे छुके मेरे मन को रे तू, बस गया दिल में कैसे तू, यहाँ वहाँ देखूं जहाँ दिखता है तू, छुप गया नैनों में कैसे तू, जाने दो को लेता जा, बेखाबों को देता जा, के सच हो जाए रंग भरी तेरी हंसी ले गई रे जा मेरी, होठों की लाली मेरी सारी सारी तेरी, वैसे तो चाहते ये है बड़ी अनमोल मेरी, आज दिल खोल के हूँ मैं तेरी तेरी, जिया में तूने सजा दी प्यार की रागिनी, मेरी धड़कन में सुनो तो मुझे तेरी, लग रही दिखने में भी थोड़ा सा लग रही है। इसीलिए ये अगर पहले सुनते तो ये अच्छा लगता, क्योंकि दोनों का सुर तो सुर ताल सब कुछ एक है, बस लिरिक्स चेंज्ड है, बट वो मुझे ज्यादा पसंद आया, इससे ज्यादा कैसा लग रहा था वो मैं बता देती हूँ, ये तो देखे ही नहीं ना, अच्छा, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि एनटीआर सर बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब सोबर लग रहे थे, एंड he doesn't need to take off his shirt like Janvi Kapoor
okay, because he has this facial expression and eye expression which is sufficient and you know enough to kill any woman. So उनका जो facial expression है या body language है, जैसे वो पकड़ रहे थे ये वो, तो वो वाला scene मतलब वो जो चीज था वो काफी हद तक एकदम मतलब it was looking very you know like beautiful, क्या बोलूँ मैं, मतलब cute तो नहीं था but it was looking very nice जानवी कपूर के साथ, तो उनका chemistry बहुत अच्छा लगा था, it was looking very nice. अब ये मूवी जो देवराज जिस टाइप का एक मूवी होने वाली, ये बहुत क्या बोलते हैं एग्रेसिव काइंड का मूवी, जो अभी तक जितना मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स वगैरह था उससे पता चल रहा था, तो इस गेटअप में और इस लेवल पे जानवी को मैच करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो भी वो मूवीज वगैरह की है, शी इज ओनली डूइंग दिस स्पेशल अपीयरेंस फॉर द सॉन्ग और शी इज देयर, आई थिंक फुल मूवी में, यस राइट, तो अभी तक जितने भी मूवी की है तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन इस मूवी पे अगर उसको भी एक लीड रोल टाइप का अगर मिल रहा होगा इसमें तो उसको बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि ये मूवी कुछ अलग है, उसका कैरियर को बूस्ट करेगा, राइट? हाँ हाँ, इफ इफ शी विल डू वेल देन ओनली, क्योंकि बहुत सारा अभी न्यू कमर्स है जो हिंदी में आती है जो मतलब उतना अच्छा नहीं कर पाती है, तो पता नहीं, I don't have any comments on that. They are called newcomer. Yeah, newcomer होके भी बहुत लोग बहुत अच्छा करते हैं. First movie में ऐसा बहुत example है जो हम छोटे-छोटे web series पे देखते हैं, right? पंचायत का वो उसको ही देख लो, जो पिंकी नहीं, रिंकी, और उसका जो मतलब male जो है जीतू भैया तो बहुत movie किया है. बहुत movie किए, but मतलब पंचायत से उनको एक अलग सा पहचान मिला, right? ये भी बहुत movie किया है, but पहचान तो इसका नहीं मिला ना, वो मैं बता रही हूँ, तो कितना रूही फूही क्या सब की है, तो जो की फ्लॉप बना है, लेकिन यस ये मूवी में मुझे लगता है ये बूस्टर जो अभय बोला ये एक बहुत बड़ा चांस है, और इंडिया सर का साथ है ना, मतलब इंडिया सर के साथ तो फिर मतलब शी विल हैव अ ग्रेट चांस टू यू नो शोकेस हर टैलेंट, सो लेट्स सी. और दीवारा का जो मतलब ये है, क्या बोले, एक वाइब ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस यू नो इंस्टाग्राम में और सब जगह पे सोशल साइट पीपल आर टॉकिंग, सो मे बी आई थिंक दिस मूवी इज गोइंग टू डू सो वेल. फर्स्ट रिलीज हुआ था बट हम किए नहीं आई थिंक ना, फर्स्ट सिंगल हम कर नहीं पाए, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज बहुत सारा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारा यू नो हमारे पास डीएम्स भी आ रहे थे कि क्यों नहीं किए, तो उस टाइम शायद कुछ रीजन की वजह से हम नहीं कर पाए, गैप हो रहा था उस टाइम, शायद कुछ हुआ था इसलिए, बट नो प्रॉब्लम. सेकेंड सिंगल वॉज जबरदस्त, द सॉन्ग इज वेरी सूदिंग एंड शिल्पा राव वो वाला है, तुम मतलब फॉर योर रेफरेंस में बता देती हो, हमें तो लूट लिया वो वाला सॉन्ग है, देखो सिंगर का नाम मुझे याद पता नहीं है, इसलिए मैं बता दूं, मुझे याद नहीं रहा, दीपिका पादुकोण वाला जो वाला गाना, ये तो बहुत, शी इज वेरी यू नो हैव सूदिंग वॉइस, इसलिए तभी तो हिंदी में भी तेलुगु में दोनों में उसे क्या वॉइस है, करेक्ट. So yes, I think that is it for today's video. I hope you have enjoyed our reaction. If you do so, please don't forget to subscribe our channel, guys, and also please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.